हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजन तिवारी, जो कि आज आपके लिए बहुत ही खास टॉपिक लाया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। यानी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन तो पढ़ ही रहे थे, लेकिन इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे थे? टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पिछले लेक्चर में हमने एसपी हाइब्रिडाइजेशन कवर किया था, अब हम लोग इस लेक्चर में एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन से स्टार्ट करेंगे। यानी हमारा दूसरा बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार से बनेगा, अगर देखो यहाँ पर तो ओवरलैपिंग इसके बीच होगा, ओवरलैपिंग यानी तो मिक्सिंग या फिर ओवरलैपिंग आप यस एंड टू पी ऑर्बिटल। यानी हम लोग यहाँ पर एसपी किस तरीके से बनाएंगे, अगर देखा जाए हम लोग यानी वन ईयर प्लस टू पी ऑर्बिटल को आपस में मिक्स करेंगे तो हमारा यहाँ पर एसपी टू ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाएगा हाइब्रिड। यहाँ पर अब हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझना चाहेंगे, जो कि जिससे हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल बी या थ्री का एग्जाम्पल ले रहे हैं, पहले बच्चों हम यहाँ पर जानेंगे कि बी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, बी की बैलेंसी कितनी होती है, जिसके बाद हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के लेवल पे आएंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पर बी यानी बी हमारा क्या है, बोरान, जिसका एटॉमिक नंबर 5 है, जिस 1s2 2s3 2s1 ओपी 1 क्योंकि 2 2 4 5। यानी हमारा बैलेंसी कितना है, लास्ट के सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसकी बैलेंसी कितनी होगी बोरान की, बैलेंसी 3। यानी हमारा बोरान अधिक से अधिक 3 बॉन्ड बना सकता है, जिसके साथ कितने बॉन्ड बने हैं, यानी बी एच, यानी इसके साथ कितने बॉन्ड फॉर्म है, 3 बॉन्ड, क्योंकि हमारा अब इसके बीच में जो बॉन्ड बनेंगे उसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। हम लोग यहाँ पर यानी हमारा नंबरिंग वाइज से हम पिछले लेक्चर में भी बताए थे, इसके बाद शॉर्ट एक वीडियो जो हाइब्रिडाइजेशन पर बना था उसमें भी बता देते कि किस तरीके से पहचानेंगे अगर नंबर से कि हाइब्रिडाइजेशन किसका है, यानी अगर 2 है तो एसपी 3 है एसपी 2, या 4 है तो एसपी 3, ऐसे ही हम पहचानेंगे। एक बार हम फिर यहाँ पर यूज कर लेंगे हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से पहचाना था। अगर पहले हम लोग बॉन्ड प्लस लोन पेयर इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन, आप लोग इसे फार्मूला भी मान सकते हैं या फिर शॉर्ट ट्रिक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ये फार्मूला भी मान लीजिए आप लोग फार्मूला। अब हम लोग यहाँ पर बैलेंस बांट कितने बने, 3। अब बैलेंस कितना है, यानी बोरान का बैलेंसी हम लोग इसमें बैलेंसी भी जोड़ सकते हैं, यानी बैलेंसी प्लस, लेकिन बैलेंसी माइनस रहेगा क्योंकि हम लोग माइनस करेंगे, बैलेंसी कितना है इसका, 3। नहीं बच्चों, तभी माइनस हो जाएगा टोटली, क्योंकि हमारा फार्मूला है बैलेंसी तो हम पता है, हमें अलग से पता करेंगे इसके बाद कितने बॉन्ड वो फॉर्म कर रहा है। यानी अब बोरान हमारा जिसकी बैलेंसी कितनी है, 3, कितने बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, यानी BH3 है, जाहिर सी बात है कितने बॉन्ड बनाएगा, 3, क्योंकि 3 से ज्यादा वो बना ही नहीं सकता, और 3 हाइड्रोजन यूज में ले लेंगे तो यहाँ पर बी के साथ 3 हाइड्रोजन फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन रहेगा और एक बी का,
यहां पर भी एक बी का एक हाइड्रोजन का, एक बी का एक हाइड्रोजन का। अब हम लोग स्ट्रक्चर बना लेंगे, यानी यहां पर तीन बॉन्ड बने प्लस अब यहां पर बोरान के पास एक न्यूट्रॉन पेयर बचे नहीं बचे क्योंकि इसके पहले से तीन थे जिसने इसमें यूज कर लिया हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में। अब हमारे पास नॉन पेयर नहीं बचा जीरो, इसके बाद स्ट्रक्चर है जी थ्री। अब हम लोग थ्री को क्या बोलेंगे, यस पी टू हाइब्रिड डाइजेशन बच्चों यहां पर थ्री तो क्या होगा यस वन पी के दो यस पी टू हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। हम लोग अब इसके बाद यहां पर अब बनाएंगे क्या ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड ऑर्बिटल के रूप में इसे काम करेंगे। तो हमारा यहाँ बोरान बोरान का सिक्स वन एस फाइव वन एस टू टू एस टू टू पी वन यानी ऑर्बिट बनेंगे। तो ऑर्बिट हमारा किस तरीके से फॉर्म होगा, यानी ये वन एस का है ये टू एस का ये हमारा टू पी का बनेंगे। हम लोग यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग ग्राउंड स्टेट, ये तो हमारा ग्राउंड स्टेट है ग्राउंड स्टेट। इसके बाद हम लोग एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन हम लोग इसमें शेयर कर देंगे टू एस एंड टू पी। इसे हम लोग टू पी याद करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे हमारा हाइब्रिडाइज यानी कौन कौन से हाइब्रिडाइज यानी ये लोग हाइब्रिडाइज हैं क्योंकि यहाँ पर कैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिले यानी दो ये दो और ये के तीन मिलकर क्या बनाएंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी इन तीनों को हम लिख सकते हैं sp2 हाइब्रिड। अब यहाँ पर ये वाला हमारा अन हाइब्रिडाइज्ड यहाँ पर अब हम इसके बाद ऑर्बिटल पिक्चर देखेंगे यानी ऑर्बिटल डायग्राम यानी यहाँ पर। अब इसके बाद अगर हम लोग ऑर्बिटल यानी ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ BH3 यहाँ पर ये BH3 हमारा इसके बारे में हम लोग इस ऑर्बिटल के रूप में अगर पिक्चर बना चुके हैं तो हमारा बी अगर बी ए है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बनाएंगे तीन बार फॉर्म करेंगे यानी वन दो थ्री। यानी मान लो अब इसका यानी ये P है इसके पास माइनस में तीन इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखेगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक यहाँ। अब हमारा इसके साथ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन तो हमारा हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन इसमें डालेगा एक इलेक्ट्रॉन इसमें डालेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसमें। अब ये कंबाइन कर ऑर्बिटल पिक्चर बनाएंगे यानी हाइड्रोजन इससे मिक्स हो जाएगा यानी एक हाइड्रोजन इसमें डाल देगा और आपस में बॉन्ड बना लेगा यूपी के साथ एक इलेक्ट्रॉन अपने यहां शेयर करके यानी आपस में दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बी और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा बोरॉन और एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा हाइड्रोजन। अब यहां पर ये डायग्राम
आप लोग अगर आप लोगों का आर्ट अच्छा हो तो आप लोग बना सकते हैं शुरू से, क्योंकि हम लोग हमें आर्ट हमारी अच्छे शुरू से ही रही है, इसलिए हम लोग आर्ट पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए हम समझेंगे आर्टिकल अगर या यज यज, क्योंकि यार हाइड्रोजन भी अपने रखा दे दिया इसमें, यानी दो इनकी बैलेंस ही पूरा होगा। अगर देखा जाए इनका भी कोण यानी इलेक्ट्रॉन पूरा होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पी में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते थे सिक्स, यानी तो दो तो चार तो थे, और हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन एक, लेकिन यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन साथ में बैठते हैं। अब ये हाइड्रोजन भी इसको दो इलेक्ट्रॉन बोल सकता है, अपने बोरान भी इसे छह बोल सकता है, कि दोनों कंबाइंड हो गए हाइड्रोजन इससे हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन जो दो है यहाँ पर हमारा, इसे हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन भी मान सकता है और बोरान तो अपना मान ही सकता है। यहाँ पर भी ऐसे है, यहाँ पर भी ऐसे है, हाइड्रोजन सब जगह अपना दो दो इलेक्ट्रॉन मान सकता है। अब देखो यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, अगर मान लो कहीं काम चल रहा कि दोनों इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाए दो हो जाए, और इन पर अधिकार इनका भी रहे इनका भी रहे, और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाए, दोनों का अगर काम कर रहा है तो बांड बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉन साझे में यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि साझे से अगर हमारा कोई काम बन रहा है तो हमें साझा कर लेना चाहिए। ऐसा ही हमारा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल यानी हाइड्रोजन को अगर बांड बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, और अगर बोरान को भी बांड बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन देकर बांड शेयरिंग करनी पड़ेगी, तभी ही बांड बनेगा जाकर। अब हम लोग ये लेक्चर आज यहीं पर एंड करते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में या स्पेशली हाइब्रिडाइजेशन ऐसे ही लेक्चर में पढ़ते रहेंगे, जो कि बहुत ही धमाकेदार सेशन में हमने इसे एंड किया है स्पीड टू हाइब्रिडाइजेशन को, इसके बाद हम लोग या स्पीड थ्री हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि ये बहुत मेहनत से बनता है, आप लोग के सब्सक्राइब और लाइक से ही हमें एनर्जी मिलती है, हम आपसे पैसे तो मांग नहीं रहे, बस एक आपको सब्सक्राइब करना है क्लिक करना रहेगा, आप लोग हमसे भरपूर आनंद लीजिए, लेकिन साथ साथ में वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिए दोस्तों, धन्यवाद।